नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया के संश्लेषण के बारे में कौन नहीं जानता। यह एक व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली औद्योगिक प्रक्रिया है जिसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल फर्टिलाइजर्स और विस्फोटकों के उत्पादन में किया जाता है। हेबर बॉश प्रक्रिया के नाम से जानी जाती इस प्रक्रिया के आविष्कार का श्रेय 1918 में रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार विजेता फ्रिट्ज हेबर को दिया गया है। एक अभूतपूर्व पॉडकास्ट श्रृंखला विज्ञान शनिवार में आपका स्वागत है। इस श्रृंखला के दौरान हम आपका परिचय कुछ ऐसे वैज्ञानिकों से करवाएंगे जिनके योगदानों ने सभी बाधाओं को तोड़ते हुए ब्रह्मांड को समझने के हमारे तरीकों को ही बदल दिया। मेरा नाम है रश्मि और इस कड़ी में मैं आपको प्रसिद्ध जर्मन रसायनज्ञ और नोबेल पुरस्कार विजेता फ्रिट्ज हेबर के जीवन की दिलचस्प झलक प्रस्तुत करूंगी। मैं आशा करती हूं कि आप इस पॉडकास्ट को अंत तक सुनेंगे। तो आइए हम इस पॉडकास्ट की शुरुआत फ्रिट्ज हेबर की शिक्षा और करियर के अवलोकन से करें। फ्रिट्ज हेबर का जन्म 9 दिसंबर 1868 को जर्मनी के ब्रेस्लॉ शहर के सबसे पुराने यहूदी परिवारों में से एक में हुआ था। वह सिगफ्रेड हेबर के बेटे थे और उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जिम्नेजियम से प्राप्त करी थी। उनके पिता का एक व्यवसाय प्राकृतिक डाइज और पिगमेंट्स का इंपोर्ट करना था और इससे प्रभावित होकर फ्रिट्ज ने 1886 के दौरान बर्लिन विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान का अध्ययन शुरू किया। एक सेमेस्टर बाद ही उनकी ट्रांसफ़र हाइडलबर्ग विश्वविद्यालय में कर दी गई, जहां केवल 1.5 साल की पढ़ाई के बाद उन्हें 1 साल की मिलिट्री सर्विस करनी पड़ी। मिलिट्री सर्विस खत्म होते ही उन्होंने बर्लिन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक कार्ल लिबरमैन की देखरेख में पाइपरोनल नाम के एक ऑर्गेनिक कंपाउंड पर काम प्रारंभ किया। ग्रेजुएशन के बाद उनके जीवन में 3 साल तक अशांति रही, जिस दौरान उन्होंने न सिर्फ ज्यूरिख और जेना में पोस्ट डॉक्टोरल स्टडी करी बल्कि कई औद्योगिक रोजगार भी किए। 1894 में हेबर ने कार्लसरूना में स्थित फ्रेडरिट्सिया टेक्निशे होकशुले के डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड फ्यूल टेक्नोलॉजी में एक सहायक के रूप में नियुक्त किया गया और देखते ही देखते अगले 12 वर्षों में वे एक फुल टाइम प्रोफेसर हो गए। 1911 तक कार्लसरूना में रहने के बाद उनको काइजर विल्हेम इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल साइंसेस के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया। अगले खंड में हम फ्रिट्ज हेबर के शोधकर्ता के रूप में हुई वृद्धि को जानेंगे। हालांकि मूल रूप से फ्रिट्ज हेबर की ट्रेनिंग एक ऑर्गेनिक केमिस्ट के रूप में हुई थी, कार्लसरूना में उनकी नियुक्ति के बाद उन्होंने फिजिकल केमिस्ट्री के क्षेत्र में काम करना प्रारंभ किया। मूल रूप से उनका काम औद्योगिक अनुप्रयोगों यानी इंडस्ट्रियल की ओर उन्मुख था। उनके शुरुआती काम आग की लपेटों और दहन से संबंधित रसायन विज्ञान पर थे, जो उनकी पहली पुस्तक एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशंस ऑन द डीकम्पोजिशन एंड कम्बशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में भी दर्शाए गए। यह काम आगे चल के पेट्रोलियम की रिफाइनिंग और क्रैकिंग के पीछे केमिस्ट्री को समझाने में मूल्यवान साबित हुए। 1897 के आसपास हेबर ने अनुसंधान विषयों की अपनी बढ़ती हुई सूची में थ्योरी एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को जोड़ा। इस क्षेत्र में उनके सारे योगदानों की गिनती करना बहुत कठिन है। उन्होंने नाइट्रोबेंजीन जैसे महत्वपूर्ण ऑर्गेनिक कंपाउंड की इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिपरेशन, 1907 में हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल एवं 1909 में ग्लास इलेक्ट्रोड का अध्ययन किया। 1910 में जर्मन रसायनज्ञ अलेक्जेंडर मोइसर के साथ मिलकर हेबर ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर एक दूसरी पुस्तक का नेतृत्व किया।
ग्लास इलेक्ट्रोड पर किया गया उनका काम पीएच मीटर के विकास का आधार बना। 1904 में हेबर ने थर्मोडायनामिक्स ऑफ ग्लास रिएक्शंस पर काम करना शुरू किया और 1905 में इसी विषय पर एक किताब छापी। इस क्षेत्र में उनका काम जल्द ही नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस से अमोनिया गैस के संश्लेषण पर केंद्रित हो गया। 1908 तक हेबर यह दिखाने में सक्षम थे कि हाई प्रेशर और सूटेबल कैटलिस्ट के सहयोग से अमोनिया बनाना व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल है। अगले साल इस प्रक्रिया को जर्मन रसायनज्ञ कार्ल बॉश को अमेरिका के औद्योगिक संश्लेषण विकास के लिए सौंप दिया गया। यह प्रक्रिया अब हेबर बॉश प्रक्रिया के रूप में जानी जाती है। 1918 में अमेरिका संश्लेषण के अपनी भूमिका के लिए हेबर को रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगले खंड में हम रासायनिक युद्ध और युद्ध के बाद के जीवन में फ्रिट्ज हेबर की भागीदारी का वर्णन करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हेबर के अधिकांश प्रकाशित कार्य अमेरिका संश्लेषण के शोधन से संबंधित थे। जर्मन रसायनज्ञ विल्हेम ओस्टवर्ल्ड की अमेरिका से नाइट्रिक एसिड बनाने की प्रक्रिया के साथ युग्मित होने पर हेबर बॉश प्रक्रिया न केवल खाद्य उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण थी बल्कि आधुनिक युद्ध में प्रयोग होने वाले नाइट्रेट्स और अन्य विस्फोटकों के संश्लेषण के लिए भी आवश्यक थी। जब जर्मनी सेना ने टीयर गैस की मांग करी तब हेबर ने क्लोरीन गैस को केमिकल वेपन के रूप में इस्तेमाल करने का प्रस्ताव दिया। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत में जर्मन सेना गोलों में विस्फोटकों की जगह जहरीली गैसेस भरने के लिए हेबर से मदद मांगी। हेबर एक जर्मन देशभक्त थे और उन्होंने स्वेच्छा से क्लोरीन गैस को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए कई प्रयोग किए। देखते ही देखते युद्ध के दोनों पक्षों ने गैस वॉरफेयर एजेंट्स का उपयोग तेजी से बढ़ाया और 1916 तक हेबर जर्मनी के केमिकल वॉरफेयर सर्विस के प्रमुख बन गए। अपने नोबेल पुरस्कार के बावजूद हेबर का युद्धोत्तर जीवन शायद ही सम्मान से भरा था। वह जर्मनी की हार से उदास थे और जर्मन युद्ध ऋण के लिए खुद को जिम्मेदार महसूस करते थे। हिटलर की सत्ता के आने के बाद उन्होंने यूरोप की यात्रा करी और ऐसी जगह खोजने की कोशिश करी जिसे वह अपना घर बुला सकें। वह ऐसी कोई जगह नहीं ढूंढ पाए और 1934 में स्विट्जरलैंड के एक होटल में हार्ट फेल होने पर इस दुनिया को छोड़ गए। एक और एग्रीकल्चर में उनके योगदानों को आज तक सराहा गया है, वहीं दूसरी ओर उनके रासायनिक हथियारों की निंदा भी करी जाती है। हेबर पर समापन खंड उनके व्यक्तित्व और निजी जीवन को प्रस्तुत करेगा। फ्रिट्ज हेबर ने अपना जीवन विज्ञान, मानव जीवन एवं मानव संस्कृति को ढालने में उसके प्रभाव को समर्पित कर दिया। अपनी प्रतिभा से बहुमुखी उनके पास राजनीति, इतिहास, अर्थशास्त्र, विज्ञान और उद्योग का आकर्षजनक ज्ञान था। उन्होंने शोध कार्यों के अलावा प्रशासनिक जिम्मेदारियों का स्वागत भी किया। हमेशा स्वीकार्य और विनम्र, वह हर तरह की समस्या का समाधान ढूंढने में रुचि रखते थे। इस पॉडकास्ट में हमने फ्रिट्ज हेबर के जीवन को एक ऐसी कहानी के माध्यम से जाना जो उनकी साइंटिफिक सोच की वृद्धि और दुनिया पर होने वाली उनकी रचनात्मक और विनाशकारी प्रभावों को दर्शाती है। कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर यह पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो
तो हमारे निर्माताओं को प्रोत्साहन देने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको यह पॉडकास्ट कैसा लगा। साइंस शनिवार के अगले सीजन में हम आपका परिचय कुछ और मेधावी वैज्ञानिकों के जीवन से करवाएंगे, जिन्होंने विश्व को समझने के हमारे नज़रिए को ही बदल दिया। नमस्कार।